हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हम इस रिएक्शंस को कैसे पहचान पाएंगे कि दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि आखिर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो बोला कि अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर कंपाउंड इन अ डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस साइमल्टेनियसली इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए यहां पे आपको क्या बोला गया है कि अगर किसी भी कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो अपना उसमें एक पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, यानी उसी एक एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का अगर रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पहचानने का एक तरीका है, अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो तो समझ लीजिए कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसा है, तो दिस इज डी प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है H2O2 जिसको हम लोग हाइड्रोजन परोक्साइड बोलते हैं, और ये ब्रेक करके H2+O2 दे रहा है। देखिए ये रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो देखिए परोक्साइड की अगर बात करते हैं तो परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और हाइड्रोजन का तो आपको मालूम है +1 होता है। ये ऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पे इसका +1, और ये फ्री स्टेट में है तो ये 0 शो कर। तो चेक करते हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखिए ये +1 है, इधर भी +1 है, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ये -1 से -2 में जा रहा है और -1 से किस में जा रहा है, 0 में भी जा रहा है। यानी एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखिए क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या। तो देखिए यहां पे जो ये ऑक्सीजन है इसका आपको कितना ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है। यहां पे आपको मिल रहा है -1, यहां पे मिल रहा है -2, और यहां पे मिल रहा है 0। तो याद रखिए किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर एक ही एलिमेंट का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने लगे तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि H2O2 का ही यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2O2 का ही क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो जब किसी भी कंपाउंड में एक ही एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होना शुरू हो जाए, तो हम ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड गिव्स S-2 S2O3-2 एंड वाटर। अब यहां पे देखिए एसिड 0 स्टेट में, ठीक है, उसके बाद ये इधर -2 में आया, और यहां पे अगर आप S का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो X माइनस
सिक्स टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाता है माइनस टू, और टू एक्स इक्वल्स टू फोर, और एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस टू। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ प्लस टू हो गया। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का ही रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे सल्फर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तीन जीरो प्लस टू और माइनस टू। तो किसी भी रिएक्शन में अगर तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगे कोई एक एलिमेंट तो हम उसको बोलेंगे कि वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि KClO3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो KCl और O2 देता है, तो क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, चेक करते हैं। देखिए यहां पे अगर आप K का देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस वन आएगा, इसका अगर देखिएगा तो प्लस फाइव आएगा, और इसका देखिएगा तो माइनस टू आएगा। यहां पे इसका देखिएगा तो माइनस वन होगा, इसका आएगा प्लस वन, और इसका क्या आएगा जीरो। अब यहां पे देखिए जो क्लोरीन है वो प्लस फाइव स्टेट से किसमें जा रहा है माइनस, यानी यहां पे क्लोरीन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन माइनस टू से किसमें जा रहा है जीरो में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे एक ही एलिमेंट का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होके ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, तो दिस इज नॉट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आइए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, NH4NO2 that gives N2 plus water। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, हम बैलेंस नहीं कर रहे। अब आप देखिएगा यहां पे हमारे पास अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमको मिलता है NH4 plus और यहां पे मिलता है NO2 minus। अब यहां पे हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं X plus 4 equals to plus 1 और x इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस वन इक्वल्स टू माइनस थ्री, यानी यहां पे ये क्या कर रहे हैं माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। इसमें चेक करते हैं x माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस वन और x इक्वल्स टू फोर माइनस वन इक्वल्स टू प्लस थ्री, और यहां पे ये क्या कर रहे हैं प्लस थ्री है। अब देखिए यहां पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। देखिए हमने बोला था कि अगर कोई एलिमेंट अगर तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पे ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पे ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड में उसका डेफिनेट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, यहां तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का डेफिनेट ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं, एक जगह माइनस थ्री शो कर रहा है और एक जगह प्लस थ्री शो कर रहा है, तो इसलिए ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का केस है KClO3 KClO4 और KCl दे रहा है, ऐसे केस में अगर आप देखिएगा तो ये प्लस फाइव शो करता है, यहां पे ये प्लस सेवन शो करता है और यहां पे ये माइनस वन शो करता है। तो देखिए यहां पे क्लोरीन के तीन ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहे हैं और यहां पे देखिए इस कंपाउंड में क्लोरीन के डेफिनेट वैल्यू है, यानी यहां क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी हमारा था और ये भी हमारा था, लेकिन ये दोनों हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं था। तो आइए कुछ लिस्ट देखते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन को यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। जैसे H2O2 दे रहा है आपका H2 और O2, और यहां पे हमने इसको देख लिया, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। सेकेंड हमारा है, हमारे पास X2 है और इसको डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो X माइनस और देता है XO माइनस, जहां पे X की वैल्यू क्या ले सकते हैं Cl, Br और I। अब आप यहां पे इस सब तीन वैल्यू रख के आप अलग अलग पुट करके देखिएगा, अगर यहां पे हैलोजन का तीन वैल्यू आ रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का तो समझिएगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है।
नेक्स्ट देखिए एक्स टू प्लस ओ माइनस, फिर ये जा रहा है एक्स माइनस प्लस एक्स ओ एफ ओ थ्री माइनस। यहां भी एक्स की वैल्यू आपको सी एल लेना है, बी आर लेना है और आई लेना है। फ्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने तीन एग्जाम्पल देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है एफ टू प्लस एन ए ओ एच डायलूट एफ माइनस प्लस ओ टू ओ एफ टू दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन माइनस वन और यहाँ भी इसका क्या हो रहा है माइनस वन है। तो यहाँ पे ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जानते हैं कि एक एलिमेंट का कम से कम तीन ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए और ये नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए F2 को कंसंट्रेटेड OH- के साथ रिएक्ट कराते हैं तो F- और O2 दे रहा है। देखिए यहाँ पे F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट F का जीरो है और यहाँ पे ये माइनस वन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये भी आपका क्या रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी किसी तीसरे का इसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लीजिए और फाइंड आउट करिए कि क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या। तो ये दीज ऑल्स आर एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि कैसे आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं।